बिहार में बाढ़ की विनाश लीला को कैमरे में कैद करने की हमारी कोशिश हमें सीतामढ़ी तक ले आई है। कुछ घंटों से बारिश थमी है, लेकिन गांव के गांव एक दूसरे से कट चुके हैं। सड़कें टूट गई हैं और सैलाब को पार करने का बस यही जरिया है। केले के तने से बनाई गई ये नाव है जिस पर सवार होकर मैं दूसरी तरफ जा रही हूं, क्योंकि बीच में यहां से उस पार जाने के लिए सरकार की ओर से किसी भी तरह के बोट की नाव की यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है। ये चार लोग हैं स्थानीय गांव की, ये चारों लड़के हैं जो आपको बता दें यहां पर लोगों की मदद करते हैं ताकि उस पार से दूसरी तरफ ये लोग जा सकें। आप लोग पैसे भी लेते हो? नहीं। पैसे नहीं लेते हो? अच्छा, और आप ही चार लोग हो या आपके अलावा भी कोई है दूसरा? सात आठ लोग हैं जो आप लोगों की मदद करते हैं। आज तक की टीम शिवहर और सीतामढ़ी में, जहां तबाही देखकर बेचैनी बढ़ जाती है। इस बहती धार का सामना लोग जैसे तैसे कर रहे हैं। बच्चों को बर्तनों में बिठाकर नदी के पार ले जाया जाता है। विडंबना देखिए, केले के तने से बनी नाव पर जिंदगी बनती और बिगड़ती है। देखिए, ये माही है, 10 दिन पहले इसका जन्म हुआ है और अभी ये मुंह बना रही है रोने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इसका जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ है जब गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ये उसकी माँ है और जिस जुगाड़ की नाव पर सवार होकर हम इस गांव में आए हैं, उसी जुगाड़ की नाव पर सवार होकर इनको उस पर बिठाया गया था और ये इस पार से उस पार गई थी। उस समय तो बड़ी दिक्कत हुई होगी। क्या नाम है आपका? दिक्कत, सागर कुमारी। कैसी बैठने में तो डर भी लग रहा होगा, पूरा पानी भरा होगा? जी, बहुत ज्यादा। कितना समय हुआ था? दिन में आप गई थी यहां से वहां? रात में गई थी, अंधेरा था उस समय सवार होकर गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बीजेपी सांसद रमा देवी का इलाका है, वही रमा देवी जिन पर आजम खान की बदजुबानी राष्ट्रीय बहस बनी हुई है। लेकिन उनका ये इलाका बाढ़ में डूबा है और इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई चिंता नहीं। सीतामढ़ी से चित्रा त्रिपाठी के साथ